हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए सिंपल वे। आपको दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट है, इसके अंदर संख्याएं हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको हम अंदर वाला टर्म, ठीक है, यानी 7 प्लस 4 रूट 3 को हम सॉल्व करते हैं पहले, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक। जैसा कि ये फार्मूला होता है, आप √7 प्लस 4 √3 को सॉल्व करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 2 × 2 × √3। ऐसा इसलिए किए हैं, जैसा कि आपको पता चले कि ये 2a × b के फॉर्म में है, ठीक। तो अगर इस फॉर्म में है तो a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू 3 है, √3 है। अगर ये दोनों का स्क्वायर करके सम करें, अगर वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो, यानी ये वाला टर्म है तो इस टर्म में आ सकता है। तो आइए देखते हैं ऐसा हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी a² + b² + 2ab के फॉर्म में ये है, ठीक, ये टर्म पूरा। तो इसको हम इस टर्म लिख सकते हैं जैसा कि ये फार्मूला है, ठीक। तो आइए लिखते हैं, यानी रूट में जो है 7 प्लस 4 √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मतलब 2, बी मतलब √3 का होल स्क्वायर। और इसमें कड़ी लगा है तो जैसा कि आपको पता है, ये कड़ी हट जाएगा, यानी √a √ में a² है तो ये होता है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक, ये टर्म हो गया। हम अभी यहाँ तक सॉल्व किए हैं केवल, ठीक, ये वाला टर्म। तो आइए देखते हैं आगे फिर। आगे क्या है, यह है माइनस में √3 प्लस √3 प्लस 8, और ये वाला पूरा टर्म आप सॉल्व कर चुके हैं। क्या वैल्यू है, 2 प्लस √3 है, ठीक, ये रूट पूरा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में √3 प्लस, ये अंदर 3, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं √3 प्लस ये पूरा का √19 प्लस 8 √3। अब जिस प्रकार यहाँ पे सॉल्व किए थे, यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसको, इस वाले टर्म को लिख सकते हैं 2 × 4 × √3, यानी 2ab। ए मतलब यहाँ क्या लिया गया, 4 लिया गया, बी का मतलब √3 लिया गया। अगर दोनों का स्क्वायर करके सम करें, अगर इसके बराबर आ जाता है, ये 19 है, 16 × 3 = 19, इसके बराबर आ जाता है तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे किया गया। वैसा दिख रहा है, 8 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, यानी 19 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी ये रूट में 3 ऐसे रहने देते हैं, प्लस ये वाला पूरा टर्म अभी आप सॉल्व किए हैं, होल स्क्वायर बना लिए हैं, कि इसका बनाए हैं 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, जैसे ऊपर किया गया एकदम सेम टू सेम, ठीक, सिमिलरली। तो इसको अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे इसको अगर, तो यही आएगा 4 × 16 √3 का स्क्वायर 19 और
इंटू ए पी, 2 × 8 √13 ए आ जाएगा। ठीक, अब ये रूट हट जाएगा, का वैल्यू आ जाएगा, ये ऐसे रहने देते हैं, प्लस ये हटेगा तो 4 √3। ठीक, अब देख रहे हैं ये प्लस है माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में 4 आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक, तो इस तरीके से आप बेसिक फार्मूला का यूज करके आसानी से लगा सकते थे। तो जूम इन कर दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक।